दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष से जेएनयू के अंदर ही दूसरी जगह पूछताछ करने जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम महिला अधिकारियों के साथ पूछताछ के लिए रवाना हो गई। इससे पहले पंकज मिश्रा ने 6 पेज का अपना स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच को सौंपा है। 5 जनवरी को पेरियार हॉस्टल के सामने अंदर जाते समय आयशी घोष के साथ पंकज मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। पंकज, कब आपको जानकारी मिली थी? ये मुझे परसों रात को 9:30 रात को मुझे पता चला है। मैंने मेल अपना चेक किया कि मुझे मेरे खिलाफ FIR है। एक्चुअली जब दिल्ली पुलिस ने अनाउंस किया था, और दिल्ली पुलिस के अनाउंस करने से बहुत पहले मुझे 6 दिन पहले ही पता चल गया था कि लोग मेरे खिलाफ FIR करेंगे, और मेरा शक सही निकला क्योंकि हम ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट देख रहे थे, तो ABBP की तरफ से ट्वीट था कि प्रेजेंटिंग टू ऑल ऑफ यू पंकज मिश्रा, और उस पर एक ब्लू कलर से स्टिक करके मेरा नाम उस फोटो के साथ दिखाया गया था, और दिल्ली पुलिस ने सेम वही फोटो उठा के मेरे खिलाफ FIR में डाल दिया। उनके पास कोई जांच पड़ताल है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता है, तो एक ABBP के द्वारा किया हुआ ट्वीट के आधार पर इन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया है। आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ, मैं यहाँ पे MPhil करने आया हूँ, मास्टर ऑफ यानी कि MPhil इन पब्लिक सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। हमारे से तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए 11:30 दरअसल बात होनी थी, लेकिन उस समय तक आयशु घोष पहुंची नहीं थी। दूसरी जगह पूछताछ के लिए क्यों ले जाया जा रहा है आयशु घोष को? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं पहले बता दूं कि दूसरी जगह पूछताछ के लिए ले जाया नहीं जा रहा, जबकि जो 9 लोगों से पूछताछ होनी है उसमें आयशी घोष भी है, और खासतौर से जो छात्राएं हैं उनको इस तरह की सहूलियत क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई है कि अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं एडमिन ब्लॉक में जहां पर SIT का दफ्तर है, या फिर वो दूसरी जगह जा सकते हैं या उनके पास टीम आ सकती है, इसलिए उनको सहूलियत दी गई है कि दूसरी जगह उनसे पूछताछ हो सकती है। यहाँ पर आज पंकज मिश्रा और एक वास्कर विजय नाम के 2 छात्रों से पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट लिया गया, जबकि आयशी घोष के लिए अभी कुछ देर पहले ही महिला अधिकारियों और जो DCP जॉय टिर्की है उनकी टीम यहाँ से निकली है, तो ये माना जा रहा है कि आयशी घोष से किसी दूसरी जगह पूछताछ हो सकती है। यानी जो दीपक बता रहे हैं कि दरअसल आयशी घोष को कहीं नहीं ले जाया जा रहा है, जबकि जो टीम बनाई गई है वो दूसरी जगह पहुंचेगी, दूसरी जगह पहुंचकर आयशी घोष से वहां पूछताछ की जाएगी। दरअसल हिंसा के पूरे मामले पर आयशी घोष से भी अब पूछताछ करेगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी।